नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आर्या न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। खबरों की ओर रुख करेंगे, बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। जगदीप धनखड़ आज शपथ लेंगे, बड़ी खबर है, जगदीप धनखड़ आज शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और ये शपथ दिलाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था और आज शपथ लेंगे जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ लेते ही जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। अयोध्या से खबर है जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत अयोध्या पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शहर के नाका के गांधी आश्रम से तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाली। इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मीडिया से मुखातिब होते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा, उसमें शामिल हो रहा और घर घर पर तिरंगा लगाने की होड़ मच रही। ये तिरंगा यात्रा जन आंदोलन बन रही और तिरंगा यात्रा एकता का संदेश दे रही है। तो वहीं नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है, समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो गई, अब ना कोई मुद्दा बचा है ना कोई विजन रहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राजनीति सीखने की जरूरत है। ये एक जन आंदोलन भी बन गया है और मैं तो कहूंगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो आज हम लोग देख सकते हैं कि प्रदेश के जन जन में जागरूकता आई है और आज जिस तरीके से उत्साह से लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं और हर घर में तिरंगा लगाने की एक मैं देख रहा हूँ कि एक होड़ सी मची हुई है, एक मुहिम बन गया है। ये मैं 13 तारीख से जो ये 13 से 15 तारीख का जो अभियान है, मैं समझता हूँ प्रदेश के हर घर में एक तिरंगा जरूर लहराएगा और हम एक संदेश भी दे रहे हैं कि तिरंगा, क्योंकि एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा अभिमान है, हम लोग की पहचान है, इस तिरंगा यात्रा से पूरा देश एकजुटता का भी संदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या रक्षा उत्सव का कार्यक्रम मथुरा ब्लॉक के सभागार में आयोजित किया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कन्या रक्षा उत्सव कार्यक्रम का सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने गर्भवती की गोद भराई और अन्न प्राशन कराकर बाल गृह की कन्याओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से राखी बंधवाई। इस पर उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता बहने हैं और बाल शिशु गृह की बच्चों को भविष्य में मेरी आवश्यकता अगर पड़ेगी तो मैं उनकी मदद के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। इस मौके पर प्रोविजन अधिकारी अनुराग रस्तोगी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक कानपुर पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि यहां तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मैं आया हूं। तो वहीं उन्होंने आह्वान किया कि विकास और तिरंगा यात्रा में प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल होना चाहिए। 15 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा लगाया जाना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के बीच मैं यहां पर पहुंचा हूं, ध्वज लहराते हुए और भारत माता की जय घोष के बीच डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे हुए थे जहां पर उन्होंने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया।
रैली निकाली गई। इससे पहले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, उसे हम सभी को सफल बनाना है। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज कानपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। कानपुर महानगर कानपुर जनपद में बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम जनमानस ने घरों से निकल करके तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा पूरे देश में लगातार चल रही। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की हाईटेक पुलिस की एक दुख भरी दास्तां सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा के पुलिस लाइन में बने पुलिसकर्मियों के आवासों की हालत दयनीय है। उन्हें आवास तो मिल जाता है, लेकिन उस आवास की जो हालत है वो देखते नहीं बनती। देखिए रिपोर्ट। पिछले 5 साल बीत जाने के बाद में एक बार फिर योगी सरकार सूबे में है और योगी सरकार एक हाईटेक पुलिस की बात करती है और हाईटेक पुलिस होने के बाद में भी अगर पुलिस की स्थिति देखा जाए तो बस से बदतर हो चुकी है। अगर पुलिस के कर्मचारियों की बात करें, उनके परिजनों की बात करें, तो परिजन पुलिस के परिजन ही सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। और मैं दिखा सकती हूँ यहाँ कि देखिए, यहाँ हम इस समय मौजूद है पुलिस लाइन में, और पुलिस लाइन में ये पुलिस के जो पुलिस क्वार्टर है ये मैं उनको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं वो कि देखिए किस तरह यहाँ एक छज्जा है और अभी ये कुछ समय पहले ये जो छज्जा है यहाँ से टूट कर ये नीचे गिर पड़ा है। और ये जो नीचे गिरा है ये देखिए, ये मलबा है, यहाँ कुछ मलबा अभी ये पड़ा है और यहाँ से हटा भी दिया गया। देखिए मैं दिखा सकती हूँ कि ये सामने कुछ इसका मलबा ये इधर भी पड़ा है। लेकिन अगर हम बिल्कुल बात करें कि पुलिस के कर्मचारियों की, तो पुलिस के कर्मचारियों की जो स्थिति है वो बस से बदतर हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ पुलिस के कर्मचारी जो पुलिस के जो कर्मी हैं वो अपने परिजनों की परवाह ना करते हुए जो शहर की जो जनता है, शहर के जो लोग हैं, उनकी रक्षा उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर न शासन का कोई भी नेता ये ना ही प्रशासन के कोई भी अधिकारी इस ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ बात करें अगर इधर बिल्डिंग का, तो ये देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। यहाँ जो बिल्डिंग है उसका नजारा आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी वो जरा दिखाएं उसको कि किस तरह से ये बिल्डिंग की स्थिति बनी हुई है। यहाँ बिल्डिंग बिल्कुल इसके हालात जर्जर हो चुके हैं। ये कोई भी समय यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो चुका है, लेकिन इस ओर अब तक कोई भी यहाँ सक्षम अधिकारी इस जगह कोई भी दौरा करने नहीं आया है। अगर बात करें तो यहाँ RI साहब जो कि जो रूटीन चेकिंग होता है, रूटीन जो राउंड होता है, उन पर आते हैं और आश्वासन की बात कह के वो चले जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि हम अपनी खबर के माध्यम से पुलिस की ये आवाज को उठा के आगे तक ले जाना चाह रहे हैं। अगर हमने यहाँ बात करनी चाहिए तो, लेकिन यहाँ कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों को अपने सक्षम अधिकारियों का भी डर सता रहा है। तो यहाँ जो पुलिस की जो कंडीशन है, जो पुलिस की स्थिति है, ये बस से बदतर बनी हुई है। अब देखने वाली बात है कि क्या हमारी खबर के माध्यम से क्या कोई सक्षम अधिकारी इस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे या इस सोल्यूशन का, इस समस्या का कोई समाधान निकालेंगे। आगरा से ममता भारत, आर्या न्यूज। अगली खबर लखनऊ से है, जहां संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी UNWFP ने 10 अगस्त 2022 को लखनऊ में फोर्टिफाइड चावल पर मीडिया प्रतिनिधियों की संवेदनशीलता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त अरुण कुमार ने इस कार्यशाला के दौरान मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा नेट योजनाओं जैसे AYY लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी लक्षित जनसंख्या वितरण प्रणाली, PM पोषण और ICDS के माध्यम से कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षा के रूप में राज्य में फोर्टिफाइड चावल को शुरू किया जा रहा है। वहीं WHO के अनुसार एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए खाद्य फोर्टिफिकेशन
व्यापक रूप से स्वीकृत खाद्य आधारित रणनीतियों में से एक है। फोर्टिफाइड राइस जो है सामान्य चावल में फोर्टिफाइड कर्नल, जब 100 सामान्य चावल के दानों में एक फोर्टिफाइड कर्नल मिलाते हैं, फोर्टिफाइड कर्नल चावल के ही स्टार्च में, चावल का ही जो दाना वो पीस के आटा में, और उसमें विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड मिला के फिर उसको फिर चावल का सेट दे देते हैं, और उसी को चावल मिलों में मिलिंग के स्टेज पे ही 100 सामान्य दानों में एक दाना जो है फोर्टिफाइड राइस का मिला देते हैं, इससे जो उत्पाद तैयार होता है उसी। गाजीपुर से खबर है जहां सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। इस दौरान ओपी राजभर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बोले। बिहार में महागठबंधन की सरकार पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब आंधी आती है तो कोई ना कोई पेड़ टूटता जरूर है, महागठबंधन की अभी सरकार बनी है, कुछ ना कुछ होगा ही। तो वहीं ओपी राजभर ने गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर भी बयान दिया। वो बयान क्या है आपको सुनाएंगे। हम लोग चुनाव जीता उसके दूसरे दिन से काम पे लगे हुए, हम लोग 75 जिले 403 विधानसभा 18 कमिश्नरी में हमारा काम चल रहा है। इसी तरह कहीं हम जा रहे हैं, कहीं सारी यादव जी जा रहे हैं, तो कहीं संतोष यादव जा रहे हैं, तो कहीं आपके धर्मदेव यादव जाते हैं, तो कभी सुनील सिंह जाते हैं, तो कहीं गुरेश श्रीवास्तव जाते हैं, तो कभी इसी तरह हम लोग पूरे प्रदेश में काम करते हैं। प्रकाश जी, बिहार में NDA का गठबंधन टूट चुका है और अब महागठबंधन की सरकार है, क्या लगता है यूपी में इसका कितना असर पड़ेगा? कभी सरकार बनी है, कोई ना कोई जब आंधी आती है तो कोई ना कोई पेड़ और डाल टूटती है, ऐसा देखने को मिला है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, नया नहीं है। ब्लॉगर ऋतिका सिंह की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि आगरा में ब्लॉगर ऋतिका सिंह की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ऋतिका की मां का कहना है कि हत्या की जांच सही ढंग से नहीं की जा रही, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पर सही जांच न करने के आरोप ऋतिका की मां ने लगाए हैं। क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी पर धमकाने के भी आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि हत्याकांड में शामिल लोगों की CDR आने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ऐसा आरोप ऋतिका की मां ने लगाया है। अब ऋतिका के परिजनों ने ADG आगरा से मुलाकात की है। ADG आगरा ने जांच में सभी बिंदुओं को शामिल कर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि थाना ताजगंज क्षेत्र के ओमश्री प्लैटिनम की चौथी मंजिल से फेंक कर ऋतिका की हत्या कर दी गई थी। शिकायत ये थी कि जैसे हमें टाइम दिया जाता उसी टाइम पर हम जाते थे, और जब हम जाते थे तो हमें रोजाना 1.5 महीने से के आजकल हो रहे हैं उसमें, हाँ, जो उनके FIR निकल के आई है दीपाली की और आकाश की, तो डेली बात होती थी, क्या नाम है, 24 तारीख को भी काफी बात हुई है इसको, 11 बजे करीब जो है आकाश और दीपाली की और अनिल धर से भी बात होती रही है, और इनकी काफी मतलब वो क्या नाम है CDR निकल के आई है, लेकिन अब उनको दिया है, और ये चीज पहले भी मतलब दिया। इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि जो अपराधी जो अभियुक्त इसमें घटना में शामिल प्रत्यक्ष तौर पर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और वो जेल चले गए। इस घटना के क्योंकि कुछ और भी पहलू हैं जिसमें पारिवारिक और अन्य संबंधों का मामला है, तो उन चीजों को लेकर के जो पीड़ित पक्ष है उनका उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उन सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और सुपरवाइजरी ऑफिसर ने निर्देश दिए हैं, और साक्ष्य के आधार पर शीघ्र ही इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बरेली से है जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लूट और छिनैती करने वाले गिरोहों के 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं पुलिस ने। अभियुक्तों के पास से सोने और चांदी के गहने, एक मोटरसाइकिल सहित 34,000 रुपए भी बरामद किए गए।
सभी आरोपियों पर पहले भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। कल दिनांक 9 अगस्त 2022 को थाना बारादरी पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि वो एक सवेरे जब टहलने जा रही थी तो उनके साथ जो है एक बाइक पर सवार दो बदमाश थे और उनकी जो है चेन स्नैचिंग कर ली थी। उस संबंध में थाना बारादरी पर 392 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में इसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए इसमें टीमें गठित की गई थी। टीमें अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रही थी। इसमें टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए इसमें टीमें लगी हुई थी और 24 घंटे के अंदर में थाना बारादरी के टीमों के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया और इसमें जो घटना करने वाला जो व्यक्ति था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चेन लूटी गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर, आज और कल दो दिन रक्षाबंधन का पर्व है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व दो दिन है। आज और कल दो दिन रक्षाबंधन का पर्व है। सरकारी बसों में दो दिन मुफ्त सेवा दी जाएगी। योगी सरकार की तरफ से महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षाबंधन के दिन लगाई गई हैं 250 से ज्यादा बसें। चालकों परिचालकों को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। बड़ी खबर, जहां पर दो दिन रक्षाबंधन का पर्व है इसको लेकर महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। सभी सरकारी बसों में 48 घंटे मुफ्त सेवा मिलेगी। आज और कल दो दिन रक्षाबंधन का पर्व है जिसको लेकर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। आज और कल महिलाएं पूरे यूपी में कहीं भी फ्री में सफर कर सकेंगी। सरकारी बसों में दो दिन मिलेगी मुफ्त सेवा। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ मथुरा के तत्वाधान में मुख्य डाकघर कलेक्ट्रेट पर डाकघर के अभिकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दिया। उनकी मांग थी कि डाकघर में समस्त योजनाओं को मर्ज कर उनके व्यवसायों को समाप्त न किया जाए, डाकघर में निवेश के लिए चेकबुक उपलब्ध कराई जाए, तो वहीं डाकघरों में सर्वर की समस्याओं का भी निराकरण हो, ऐसी बात की गई। पीपीएफ SC SS कमीशन की बहाली हो और एजेंसी का नवीनीकरण का सरलीकरण कराए जाने के लिए सभी लोग धरने में मौजूद रहे। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख जो मांग है वो कमीशन की है, जो कि हमारा कभी किसी जमाने में 2% था, फिर 1 किया, अब आधा कर दिया। हमको तो लेबर के अनुसार भी पैसा नहीं मिल रहा, हम तो लेबर से भी ज्यादा नीचे वैसे हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार नाम अरुण कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ मथुरा। हमारी मांगे जो सरकार की मंशा ऐसा प्रतीत होती है कि डाक खाने में जो बचत योजना चल रही है उनको इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में मर्ज करने की उनकी योजना है और पूछने पर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। इनके कहने और करने में फर्क है। दूसरा, इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे डाकखाने की बचत योजना जो पूर्वज चलती रही है उसी तरीके से चलती रहे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की आन बान और शान को बखूबी बताया। आप भी सुनिए। तो 2 मीटर चौड़ाई, 3 फीट हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह अनुपात है 3-2, मतलब 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। अगर 3 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई, 3 फीट लंबाई है तो 2 फीट चौड़ाई। पिंगली वेंकैया जी इस ध्वज के रचनाकार थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा।
मैं आज उनको श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूँ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसमें ये प्रावधान था ध्वज संहिता में कि केवल हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए खादी का ही राष्ट्रीय ध्वज होगा, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करके ये तय कर दिया गया है कि खादी के अलावा, खादी का तो है ही, लेकिन खादी के अलावा ये मशीन से भी निर्मित किया जा सकता है। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी ध्वज फहराया जाए तो सम्मानपूर्ण स्थान पर ही फहराया जाए, ऐसी जगह नहीं लगाया जाए कि आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए। पहले राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक फहराया जा सकता था, लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है। अगर झंडा खुले में फहराया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति के द्वारा, पहले कोई व्यक्ति अपने घर पर नहीं फहरा सकता था, आपको पता है संस्थानों में ही फहराते थे, लेकिन घर पर फहराया जाता है तो उसे दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।